शहर से करीब 18 किमी दूर भगवान महादेव का एक ऐसा मंदिर था जो 12वीं शताब्दी का है। इस मंदिर की खासियत है कि 3 मंजिला मंदिर की इमारत पूरी तरह से पत्थर से ही बनी हुई है। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर टिका हुआ है। पूरे मंदिर में कहीं पर भी चूना या सीमेंट अथवा रेत तक नहीं लगी है। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन यह मंदिर उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा को अलग करने वाली सोम नदी के तट पर बना हुआ है। मान्यता है कि यह एक रात में ही बना था मंदिर। दयशाला की मान्यता यही है कि यह एक रात में ही बना हुआ है। इस मान्यता की पुष्टि भास्कर नहीं करता है, लेकिन बताया जाता है कि सोमनाथ की तर्ज पर होने के कारण इसका नाम भी सोमनाथ ही था, लेकिन बाद में देव शब्द अपने आप ही भक्तों की ओर से जोड़ा गया है। इस कारण देव सोमनाथ कहा गया है। दश मंदिर के पुजारी पंकज पहाड़ ने बताया कि यह मंदिर एक ही रात में बना है, लेकिन यही बात बड़े बुजुर्ग कहते हैं। वैसे पूजा करने में उनकी 7वीं पीढ़ी है। दश यह मंदिर गुजरात में सोमनाथ की तर्ज पर ही बना हुआ है। राजपूत शासकों ने बनवाया मंदिर। दश मंदिर परिसर में ही कई शिलालेख हैं, लेकिन पत्थर पर उकेरे हुए शब्दों को आसानी से पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन पुरातत्व विभाग की ओर से स्थापित शिलालेख में बताया है कि मालवा शैली में निर्मित इस विशाल शिव मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में स्थानीय राजपूत शासकों द्वारा किया गया है। दश यह 3 मंजिला मंदिर योजनाकार में गर्भगृही, अंतराल, संपूर्ण खलदार, सभा मंडप युक्त है। इसमें 3 दिशाओं में प्रवेश द्वार है। मंदिर का गर्भगृह भूमितल से 2.7 मीटर नीचे है, जिसके ऊपरी द्वितीय रथों वाली बनावट है। अभिलेख 14वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ पुजारी पंकज पहाड़ ने बताया कि इस मंदिर से एकमात्र अलग अभिलेख मिला है। इसमें बताया गया है कि यह मंदिर 14वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। महारावल गोपीनाथ 1427-1447 और महारावल शेषमल 1586-1606 से संबंधित है।